मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी के तहत आज 14 कोर फायर एंड फ्यूरी की ओर से फ्रीडम रन इवेंट का आयोजन किया गया है। ये फ्रीडम रन टोटल 4 किलोमीटर का होगा, जो कि कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र स्टेडियम से शुरू होकर रिमझिम ऑडिटोरियम में समाप्त होगा। ये फ्रीडम रन देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वीर शहीदों को समर्पित है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनकी ज़िंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू देश के काम आया है, जिनका लहू देश के काम आया है। ओके गो भारत माता की जय। इसके 2 मिनट के बाद सभी 3 2 1 गो। एवं एनसीसी के जोशीले कैडेट का मैं मेजर राधिका फ्रीडम रन के पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रीडम रन का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का ही एक भाग है। जैसा कि आप सबको विदित होगा, आजादी का अमृत महोत्सव का आगमन 12 मार्च 2021 को आजादी के 75वें सालगिरह को मनाने, देश के नागरिकों व बच्चों को आजादी के संग्राम में अपनी कुर्बानी देने वाले नायकों के बलिदान की कथाओं को जीवित करने, आज़ादी के गुमनाम नायकों की खोज करने वह आने वाले 25 सालों में देश को विकसित राज्य बनाने, नवीन राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। हाल ही में 13 से 15 अगस्त के बीच आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को मनाया गया, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 20 करोड़ से अधिक तिरंगे झंडों को फहराने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यालय 14 कोर द्वारा राइफलमैन जिगमित नोर्वे कोर लद्दाख स्काउट्स, दूसरा स्थान सोनम सोचपाल फर्स्ट लद्दाख बटालियन एनसीसी, अब लड़कियों की श्रेणी में पहला स्थान चुस्किट डोलमा फर्स्ट लद्दाख बटालियन एनसीसी, दूसरा स्थान प्राप्त किया है ताशी डोलकर फर्स्ट लद्दाख बटालियन एनसीसी,
सेवारत सैनिक कैटेगरी में के परिणाम कुछ इस प्रकार है।